हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास राणा स्टूडेंट्स हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी पी मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारा जो सेशन है हमारा जो कोर्सेज है, है ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन हैं हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको क्या करना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से जो कि आप इजीली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वन

नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पी मिलेगी वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एक्सपीरियंट हैं इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं चाहे वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना कोई भी स्टेट हो नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्स एंड वेब पोर्टल्स नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो की जाती हैं जो जो भी भी साइंस किए जाते इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट जहां पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन करेंगे जनवरी मंथ के काफी अच्छा सेशन रहेगा आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है तो एंड तक बने रहिएगा इसी के साथ साथ फ्रेंड्स चलिए अपना सेशन स्टार्ट किया जाए सबसे पहले किस बैंक ने रिसेंटली जीता ई लॉरेट अवार्ड ई क्या होता है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम करता है ये आपका एक एसोसिएट मेंबर है FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ठीक है और ई एस्टैब्लिश कब हुआ था 2004 में और करंटली ये एफ ए टी एफ का मेंबर है ठीक है एंड एफ ए टी एफ वो जो ग्रे लिस्ट रिलीज करती है जो टेरर फाइनेंस करते हैं कंट्रीज उनकी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस बैंक ने लॉरेट अवार्ड को जीता एट द इंटरनेशनल ओलंपियड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोची रशिया में रशिया में सोची में ये इवेंट हुआ वहां पर इन्होंने ये ई एजी लॉरेट अवार्ड को जीता जो कि 10 अक्टूबर को हुआ था ठीक है 2022 में तो पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक है बैंक ऑफ बड़ोडा और बैंक ऑफ बड़ोडा ही आपका सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्होंने ही ई ए जी लॉरेट अवार्ड को जीता है नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर इंडियन आर्मी की टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाइएस्ट बैटल फील्ड है लद्दाख में अगर मैं यही पूछ लूँ ये वर्ल्ड का हाइएस्ट बैसल फील्ड बैटल फील्ड सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में आता है तो ये काराकोरम रेंज में होता है किस रेंज में आता है ये तो ये काराकोरम रेंज में आता है आपकी पहली चीज या याद रखेंगे ठीक है काराकोरम रेंज में आता है फिर याद रखेंगे ये कहाँ पर है ये आपका हिमालय में लद्दाख में है फिर क्वेश्चन पूछा गया कि वो पहली वीमेन ऑफिसर कौन बनी है इंडियन आर्मी की वो है कैप्टन शिवा चौहान कैप्टन शिवा चौहान वो पहली वीमेन ऑफिसर बनी जो कि इंडियन आर्मी से हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करती है राजस्थान से बिलोंग करती हैं जिनको डिप्लॉय किया गया सियाचिन ग्लेशियर पे इनको सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पे डिप्लॉय किया गया है 15,632 फीट की आपकी हाइट पे रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस पच्चीस डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है नेक्स्ट अ टोटल ऑफ 21 पर्सनालिटीज को अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया एक असम वैभव अवार्ड दिया गया पांच असम सौरभ और पंद्रह असम गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है ये असम स्टेट के सिविलियन अवार्ड्स हैं 2023 के लिए असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है वो है असम वैभव ये इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया डॉक्टर तपन साइकिया को आपका असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिज ऑनर जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना कैंसर पेशेंट्स के लिए ठीक है या कैंसर ट्रीटमेंट में जो उन्होंने अपना सहयोग दिया है जो अपना योगदान दिया है उसके लिए इनको डॉक्टर तपन साइकिया ऑस्ट्रेलियन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जो कि पहली फीमेल क्रिकेटर बनी टू गेट अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड वॉक ऑफ ऑनर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के वॉक ऑफ ऑनर में ये वो पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है जिनका ब्रॉन्ज स्टैच्यू है क्या नाम रहेगा इनका ये है बेलिंडा क्लार्क ये फॉर्मर क्रिकेट फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और ये पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है जिनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू रहेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के वॉक ऑफ ऑनर में ठीक है चलिए नेक्स्ट नेम द रेलवे स्टेशन दैट हैज़ बिन अवॉर्डेड अ फाइव स्टार रेटिंग फॉर ईट राइट स्टेशन बाय फसाई इन जनवरी 2023 फाइव स्टार रेटिंग दी मतलब टॉप क्लास रेटिंग दी है ईट राइट स्टेशन के मतलब जो वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है जो उस तरह की साफ सफाई है जिस तरीके से बनता है एवरी थिंग रिलेटेड टू फूड सेक्टर वहाँ पर अगर देखा जाए तो ईट राइट स्टेशन के हिसाब से फाइव स्टार रेटिंग मिलने वाला वो रेलवे स्टेशन कौन सा बना है क्या नाम रहेगा उस रेलवे स्टेशन का वो है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन और ये रेटिंग इनको किसके द्वारा फसाई के द्वारा दी गई थी ठीक है यहाँ पे हाइजीनिक फूड के लिए जो पैसेंजर्स को अवेलेबल है जो साफ सफाई वहाँ रखी जाती है जो न्यूट्रिशन है मतलब सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि मतलब ईट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला और फाइव स्टार मिला है इनको ठीक है और ये फाइव स्टार दर्शाता है कि यहाँ पे फूड सेफ्टी है सिक्योर है हेल्दी फूड है और सस्टेनेबल फूड है सभी इंडियंस के लिए जो भी वहाँ पे एज अ पैसेंजर जाते हैं ठीक एक चीज़ तो ये हो गई इसी के अलावा ये तो था रेलवे स्टेशन का अगर अब मैं बात करूँ आपकी एयरपोर्ट्स की ठीक है टॉप एयरपोर्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल टॉप एयरपोर्ट्स परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ दो ठीक है टॉप एयरपोर्ट्स की सबसे टॉप पोजिशन पर कौन सा आ जाता है हनेडा एयरपोर्ट ये हनेडा एयरपोर्ट कहां पर है टोक्यो जापान में सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है केम्प गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में है कहां पर है बेंगलोर कर्नाटका में फिर सेवेंथ पोजीशन पे फिर से इंडियन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है न्यू दिल्ली में ठीक है और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को स्टेशन से सम्मानित किया गया विद फाइव स्टार सर्टिफिकेशन फाइव स्टार रेटिंग दी गई है फसाई के द्वारा नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है पिनरई विजयन इन्होंने रिसेंटली पहला गौरिम्मा अवार्ड को सम्मानित किया किन को एट ओलंपिक हॉल जो कि है चंद्रशेखर नेहर स्टेडियम में तिरुवंतपुरम केरला में कौन है वो वो है एलिडा गुएवरा एलिडा गुएवरा को फर्स्ट एडिशन ऑफ गौरिम्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजयन के द्वारा एट ओलंपिक हॉल चंद्रशेखर नेहर स्टेडियम में जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में ठीक है।, है और ये जो अवार्ड है इनकी जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं जिनको ये संभालती हैं ठीक है उनको डेप्ट फ्री करने के लिए उनको डिफरेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन एक बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के लिए जो वो काम कर रही हैं उसके लिए पहले गोरिम्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया एलिडा गुएवरा को किन के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला विजयन के द्वारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड विच एडिशन ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी रिसेंटली सेवेंथ एडिशन ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया दिल्ली में किया गया सेवेंथ जनवरी को करा गया 2023 में ठीक है और नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के द्वारा इन अवार्ड्स को एडमिनिस्टर किया गया था यहीं पर राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पे आप जो वेरियस एंटिटीज हैं उनको यहां पे नॉमिनेशन आप उनका डाल सकते थे किसी भी फील्ड में ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे आ जाता है फॉर द सेवेंथ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नेक्स्ट उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है पंद्रहवें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था छः से लेकर दस जनवरी के बीच में ठीक है ये पंद्रवा एडिशन था और पूछा जा रहा है किन को कौन सी पर्सनैलिटी को अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया है यहाँ पर वो है अर्पना अपर्णा सेन अपर्णा सेन एक काफ़ी फेमस इंडियन एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द फिफ्टींथ एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहां पर हुआ था जयपुर राजस्थान में ठीक है और 6 से 10 जनवरी के बीच में हुआ था इन्हीं को अपर्णा से इनको अगर मैं बात करूं तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 1987 में नेक्स्ट हु वर द कंपोजर एंड लिरिसिस्ट ऑफ नाटू नाटू सॉन्ग ये ट्रिपल आर मूवी का है आर आर राजमौली जी के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है पूछा जा रहा है कि कौन रहेंगे कंपोजर एंड लिरिसिस्ट ऑफ दिस नाटू नाटू सॉन्ग जिसको बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है एट द एटियथ एनुअल ग्लोब अवार्ड्स 2023 के दौरान तो कौन रहेंगे कंपोजर कौन है एम एम कीरवानी और लिरिसिस्ट कौन रहेंगे चंद्र बोस तो रिस्पेक्टिवली आप इनका नाम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट नेम द बैंक जिनको अभी बेस्ट डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंटेशन बेस्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन किसे सम्मानित किया गया ड्यूरिंग आई बी एस आई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड दो के दौरान जो कि क्लेफिन टेक्नोलॉजीज के साथ था ठीक आई रिपीट तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है जिनको बेस्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए बेस्ट डिजिटल चैनल या प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंटेशन के लिए अभी आई बी एस आई में जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड थे उनसे सम्मानित करा गया तो कौन सा बैंक रहेगा वो है बंधन बैंक लिमिटेड ठीक है चलिए नेक्स्ट एक टर्म आ जाता है एग्रीप्रेनोर्स जैसे हम फिनटेक लिखते हैं ना फिनटेक क्या होता है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी एड क्या होता है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी ऐसे ही आपका एग्रीप्रेनोर्स होता है एग्रीकल्चर प्लस एंट्रप्रनोरशिप तो ये टर्म बन गया एग्रीप्रेनोर जो एंट्रप्रेन अपने एग्रीकल्चर फील्ड में है वो एग्रीप्रेन्योर्स बन गए तो भी रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे यह आपका नेशनल यूथ डे 2023 में कब था 12 जनवरी को तो 12 जनवरी को जो कि नेशनल यूथ डे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स को प्रेजेंट किया टू 82 बेस्ट एग्रीप्रेनोर्स ट्रेंड अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि थी एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेसेस यहाँ पर नेशनल एंड एग्रीप्रेनोर्स अवार्ड सेरेमनी के दौरान जो न्यू दिल्ली में हुई यहाँ पर 82 टू को अवार्ड से सम्मानित करा गया उनको नेशनल एग्रीप्रेन्योर अवार्ड दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है मतलब एग्री क्लिनिक में एग्री बिजनेस जो भी रिलेटेड सर्विसेज हैं उनमें यहां पे जो योगदान दिया गया है उनके लिए यहां पे 82 एग्रीप्रेनर्स को सम्मानित किया गया नेक्स्ट नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली वन 71st मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल अच्छा 2021 में मिस यूनिवर्स 2000 टाइटल किन्होंने जीता था हरनाज सांधू ने ठीक है और हरनाज सांधू कहाँ से बिलोंग करती हैं ये इंडिया से बिलोंग करती हैं इंडिया में कहाँ से पंजाब से बिलोंग करती हैं फिर आ जाता है अब या फिर यही ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सेवन टाइटल किसने जीता था क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेवेंटी फर्स्ट मिस यूनिवर्स 2022 टाइटल की तो ये रहेंगी आर बॉनी गैब्रियल ठीक है बॉनी गैब्रियल के द्वारा जो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं इनको अभी मिस यूनिवर्स 2022 के टाइटल से क्राउन किया गया जो कि सेवेंटी फर्स्ट एडिशन है और इनको जो क्राउन पहनाया गया वो मिस यूनिवर्स 2022 हरना साधु के द्वारा ही पहनाया गया था मूविंग ऑन कौन वो पहली वीमेन ऑफिसर बनी है जिनको एक फॉरेन असाइनमेंट पे पोस्ट किया गया है बी के एज वेल एज इन प्रोजेक्ट दंतक ऑफ भूटान प्रोजेक्ट दंतक की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट दंतक 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था ये जो भूटान के आ, किंग थे थर्ड किंग थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था एज़ वेल एज अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ठीक ये तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो याद रखना वो कौन सी पहली विमेन ऑफिसर बनी है टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट बीआरओ एंड प्रोजेक्ट दंतक वो रहेंगी आपकी सुरभि जाक मोला ठीक हंड्रेड एंड सेवेंटीन इंजीनियर रेजिमेंट की आर्मी ऑफिसर है और इनको प्रोजेक्ट दंतक में पोस्ट किया गया है एज वेल एज पहली ऑफिसर बनी है फॉरेन असाइनमेंट में एट बी आर मूविंग ऑन नेम द हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वीमेन फाइटर पायलट जो पार्टिसिपेट करेंगी एरियल वॉर बोर्ड गेम्स में एज वेल एज याद रखना यही पार्टिसिपेट करेंगी ये वन ऑफ द थ्री वीमेन ऑफिसर्स uh, हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी एक्सरसाइज वीर गार्डियन में और ये एक्सरसाइज वीर गार्डियन अभी कहाँ पर हुई थी ये आपकी जापान में हुई थी ठीक है इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्डियन होती है उनमें से वन ऑफ द थ्री वीमेंस ये थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन वीर गार्डियन और ये जापान में ही एक्सरसाइज हुई थी और याद रखना ये सुकोई थर्टी मार्क वन फाइटर पायलट रहेंगी ठीक है पायलट की स्क्वाड्रन लीडर है और कौन क्या नाम रहेगा अवनी चतुर्वेदी ठीक है और ये वो पहली विमेन फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एरियल वॉर गेम्स में बाहर जाकर ठीक वीर गार्डियन की बात करें तो 16 से लेकर 26 जनवरी के बीच में हुआ और कहां पर हुआ जापान में नेक्स्ट हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर देयर वाइटल वर्क इन यूएन मिशन इन साउथ सूडान तो कितने अभी इंडियन पीस कीपर्स को ऑनर किया गया द यू यूएन मेडल वो रहेंगे ग्यारह इंडियन पीस इंडियन इंडियन पीस कीपर्स को ऑनर किया गया बाय यूनाइटेड नेशन फॉर देयर वाइटल वर्क इन यूएन मिशन इन साउथ सूडान ठीक है मूविंग ऑन विच बैंक हैज रिसेंटली बैग्ड द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड फॉर द बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर दो टुडे तो एंड के पी एम जी बेस्ट बैंक सर्वे तो बिजनेस टूडे और केपीएम जी बेस्ट बैंक सर्वे के द्वारा भी एक अवार्ड निकल था ऑर्गेनाइज कराया गया एक इवेंट जहां पर किस बैंक को बेस्ट स्मॉल बैंक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड से किस को सम्मानित किया गया है वो भी दो हजार बाईस के लिए यह डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा वो है तमिलनाडु, मर्सेंटाइन बैंक ठीक है इनको सम्मानित किया गया और यह डाटा रिलीज किसके द्वारा किया गया ये सर्वे का बिजनेस स्टूडेंट के ठीक है चलिए नेम द इंडियन स्टेट जिन्होंने रिसेंटली जीता ब्रॉन्ज अवार्ड इन द यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जग्गा मिशन जो कि एक फाइव टी प्रोग्राम है ऑफ द स्टेट तो याद रखना ओडिशा के द्वारा इनका एक मिशन था जग्गा मिशन ये लॉन्च किया गया था और इस मिशन के लिए ही उड़ीसा स्टेट को अभी ब्रॉन्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन एबिनेट के अंदर वर्ल्ड हैबिनेट अवार्ड्स के दौरान इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है यहाँ पे जग्गा मिशन क्या है बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे अपडेट करने के लिए ये जो आपके ट्राइबल एरियाज़ है यहाँ पे लैंड टाइटलिंग tit करने के लिए स्लम अपग्रेड करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव लिए गए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड जो कि है जग्गा मिशन ठीक है याद रखेंगे और ये फाइव टी मिशन है जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया गया जो कि है ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी टीम वर्क टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड और ओडिशा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया यहाँ पे ब्रॉन्ज अवार्ड से नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में इसको रिलीज किया गया था जनवरी में मुकेश अंबानी इंडिया में तो नंबर वन पोजीशन पे आ जाते हैं लेकिन ग्लोबली ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी टॉप पोजीशन पे कौन रहते हैं वो है हुआंग। हुआं। 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 ये आपके याद रखना ये चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनवीडिया के एनवीडिया एक यूएसए बेस्ड कंपनी है प्रोसेसर्स बनाती है काफ़ी बड़ी कंपनी है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे एनवीडिया की एक जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आजकल जो कोपी जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है आप देखेंगे मशीन लर्निंग इतनी ज़्यादा है ई लॉन्च किए जा चुके हैं तो इन सब की जो प्रोसेसिंग हुआ करेगी वो प्रोसेसर्स पे होगी और वो उसका कंट्रोल किसके पास है आपका जैसे ग्राफिक कार्ड्स हो गए हैवी हैवी ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर्स उनका मार्केट डोमिनेंस किस कंपनी का है एनवीडिया का तो फर्स्ट पोजीशन पे जेनसन हुआंग सेकंड पोजीशन पे मुकेश अंबानी फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सत्य नडेला फोर्थ पोजीशन पे शांतनु नारायण और फिफ्थ पर आ जाते हैं सुंदर पिचाई तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन फोर्थ मुकेश अंबानी सेकंड ग्लोबली फर्स्ट इंडिया में और जेंसन हुआंग ग्लोबली फर्स्ट पोजिशन पे नेक्स्ट हु हैज़ रिसेंटली वन द ईसा अवार्ड फॉर साइंस टू ह्यूमेनिटी 2023 जो कि एक टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन में तो ये रहेंगे कौन संदूक रूट ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी फेमस ऑफ ऑफ थैलोमोलॉजिस्ट हैं और इनको अभी ईसा अवार्ड दो ईसा अवार्ड फॉर साइंस टू ह्यूमेनिटी 2023 से सम्मानित किया गया जो कि एक टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का ज बिन डिक्लेय द फिफ्थ लॉरेट फॉर सेशन 2021 हज़ार के लिए फॉर ईसा अवार्ड ठीक है इन्होंने जो भी ब्लाइंडस कम्युनिटी है उनके लिए जो सर्विस करी उनकी जो प्रिवेंशन के लिए काम किया उनकी अचीवमेंट्स के लिए इनको सम्मानित करा गया है ठीक है ये जो ईसा अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमेनिटी कब इस्टिश किया गया था दो में इस्टिश किया गया था बाई किंग ऑफ बहरेन ईसा अल खलीफा उनका नाम था नेक्स्ट बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से किस एयरपोर्ट को इंडिया के सम्मानित करा गया है तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रहेगा वो आपका है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गोवा में है और इसको पहले मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते थे लेकिन फिर इसका नामकरण कर दिया फिर से और मनोहर पारिकर जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के उनके नाम के बिहाफ पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी प्रस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 को जीत लिया है वो है ई एस एफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने अभी रिसेंटली प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 को जीत लिया इन रिकॉग्निशन फॉर देयर एफर्ट्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एडवांसिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ यहीं पर पॉल थॉमस यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे ठीक है नेक्स्ट हाउ मैनी चिल्ड्रन रिसेंटली रिसीव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड फॉर 2023 फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट तो कितने बच्चों को भी यहां पे सम्मानित किया गया ग्यारह जिसमें से पांच बॉयज थे जिसमें से छ बॉयज थे और पांच गर्ल्स थी ठीक है कितने बच्चों को मिला ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट 11 ठीक है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये भी अभी रिसेंटली किस इंडियन पुलिस फोर्स को दिया गया था तो हरियाणा पुलिस फोर्स को अभी प्रेजिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया था अगर मैं इन अवार्ड्स पर आता हूँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड्स ये अभी रिसेंटली पाँच से लेके अठारह साल के बच्चे जो कि किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनली काम करते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं चाहे आर्ट कल्चर हो गया ब्रेवरी हो गया इनोवेशन हो गया सोशल सर्विस या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और ग्यारह बच्चों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर रिसेंटली सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर 2023 हज़ार तेईस देखो आपदा प्रबंधन हो गया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कि कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाती है तो वो एकदम सतर्क रहें और रेडी टू हेल्प रहें जैसे अभी सीरिया और टर्की में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भूकंप आए थे तो वहाँ पर इंडिया की फोर्सेस गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस उनका हेल्प करने अंडर एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त तो वो क्या था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस एकदम रेडी थी तो उनको वहाँ भेजा गया तो यहीं पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए किन को सेलेक्ट किया गया वो है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लुंगली फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट नेम द रेलवे स्टेशन जिनको अभी ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया विद द हाइएस्ट प्लेटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल तो कौन सा रेलवे स्टेशन है विशाखा रेलवे स्टेशन ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में रहेगा आपका और इनको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया विद द हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग बाय आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ठीक है और इनको सौ में से 82 पॉइंट्स मिले हैं ये भी याद रखना नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपको बताने इनमें से पद्म भूषण अवार्ड ही और कौन से गलत है तो देखो दीपक धर इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है ठीक है कुमार मंगलम बिरला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है वानी जयराम को आर्ट की फील्ड में मिला है और सुधा मूर्ति को सोशल वर्क में मिला है लेकिन जो एस एल भरेप्पा है ना इनको स्पोर्ट्स में नहीं मिला इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला है याद रखेंगे इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में ये अवार्ड मिला है नेक्स्ट हु रिसेंटली ऑनर्ड विद द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड दो हज़ार बाईस के लिए फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फॉर स्प्रेडिंग इंडियन क्वीन ग्लोबली विद मॉक्स रेस्टोरेंट इन साउथ अफ्रीका देखो मॉक्स ये एक रेस्टोरेंट है मॉक्स नाम से इन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको खोला और यहाँ पर इंडियन क्वीन को वहाँ फेमस करा मतलब ग्लोबली जो इंडियन क्विजींस हो गए जो इंडियन खाने हो गए अलग अलग रेसिपी अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिश तो उनको क्विजीन कह देते हैं तो उस क्विजीन को बढ़ाया गया है साउथ अफ्रीका में बाय द मोक्ष रेस्टोरेंट पूछा जा रहा है कि किन के द्वारा ये कि मोक्स रेस्टोरेंट के द्वारा इंडियन क्विजीन को साउथ अफ्रीका में और ग्लोबली ले जाया गया और उन्हीं को डॉक्टर साहिब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित करा गया है तो कौन रहेंगे वो उनका नाम है सुनील कृष्णा ठीक है नेक्स्ट तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर जनवरी मंथ अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे एंड रेजिग्नेशन पे इनको रिवाइज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे नोट करना जैसे महावेंद्र सिंह इनको अपॉइंट किया गया सीई ओ का गुजरात मेरी क्लस्टर का प्यूमा इंडिया ने साइन किया हरमनप्रीत कौर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर मॉर्गन स्टैनली की बात करें इनको अपॉइंट किया इन्होंने अपॉइंट किया है अरुण कोहली को न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया ये माँ करेंगे इंपॉर्टेंट इंडियंस मैन हॉकी टीम चीफ कोच ग्राहम रेड इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है माँ करेंगे कि हॉकी टीम मैंस इंडियन हॉकी टीम के कोच कौन थे चीफ कोच कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया ग्राहम रेड राजीव सिंह इन्होंने को अपॉइंट किया गया एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मोनेला रोका बॉटी इनको अपॉइंट किया गया पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इक्विटोरियल गेमिया की माँ करेंगे वी रामाचंद्र इनको अपॉइंट किया गया बाय आरबीआई बी एज द एडवाइजरी कमेटी का मेंबर ऑफ सिरेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड सिरेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड शमिका रवि इनको अपॉइंट किया गया है मेंबर इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर रॉल रुबेलावा इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ का महिंद्रा फाइनेंस का नेक्स्ट सैम मेहरा इनको इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का सुरेंद्र चावला अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम बैंक आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल साइंस सूर्य कुमार यादव फॉर अ न्यू कैंपेन चेतन शर्मा को रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ बी सी सी आई सिलेक्शन कमेटी मनप्रीत मोनिका सिंह ये वो पहली फीमेल सिक्स जज बन गई है यू एस ए की मांग करेंगे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया आर बी आई डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का बाय वन ईयर मेटा जो कि फेसबुक था पहले इन्होंने विकास पुरोहित को डायरेक्टर अपॉइंट किया है फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट इंडियन ओरिजिन एसी सी चरानिया इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर ऑफ उफ नासा हर्बा लाइफ ने अपॉइंट किया स्मृति मंदाना को एज अ ब्रांड अम्बेसडर रवि कुमार अपॉइंटेड सी ऑफ कॉग्निजेंट देन अजीत कुमार सक्सेना इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एन एम डी ऑफ मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड का एन चंद्रशेखरन इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडवाइजरी काउंसिल का सुंदरम रामामूर्ति इनको एम डी एंड सी ई ओ बनाया गया है बी एस सी का अजय कुमार श्रीवास्तव इनको एम डी एन सी ईओ बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का सी आर पी एफ डायरेक्टर जनरल सुजोय थाउसन टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिनेश शुक्ला इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा इनको अज्यूम किया गया इनको कमांड दी गई ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न कमांड की देन इलेक्शन कमीशन को ने अपॉइंट किया मिथैली मैथिली ठाकुर को एज द बिहार स्टेट आइकन जैन जेसन मू इनको अपॉइंट किया गया सी ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर ठीक है और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किया गया है अजय बंगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी कई सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी इनको रिवाइज़ ज़रूर करना और कोशिश करना कि जो हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे आप उनको ज़रूर से देखें सो so, सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं अच्छे कमेंट आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट और अच्छे से और जल्दी मैं ला सकूँ ठीक है दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर सेवन सिक्स डबल सेवन ट्रिपल थ्री एट सिक्स टू या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड अंडर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं कोड और याद रखना वो है विकास टैन अगर आपको 10% परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं आपको क्रैक 10 के अलावा 10% परसेंट का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड या आपका कोर्स परचेज़ नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर नाइन या फिर आप मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट ऑफ अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम पर एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा That's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at affairs cloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is seven six double seven triple apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is AffairsCloud_Official. underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10 percent discount by using this code vikas10 also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that 9677333862 And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.